दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो दुनिया भर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को पिछले 24 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। और जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आज अपने नगर की, आज जयपुर की हम बात कर रहे हैं, गुलाबी नगरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि शान है राजस्थान की, नहीं हिंदुस्तान की। और हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं जब हम जयपुर की बात करते हैं, क्योंकि जयपुर की जो विरासत है, जो थाती है, जो परंपराएँ हैं, जो रीति रिवाज है, जो मूल्य हैं, जो संस्कृति है, वो ऐसी है जो विलक्षण है। और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और परखेंगे आपकी जानकारियां और आपका ज्ञान। आप हैं श्री भवानी निकेतन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी, तालियां बजाइए जोरों से अपने लिए। आज की मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर सावित्री माथुर, उनके सम्मान में तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। आप देखिए, आप टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ती हैं, भावी शिक्षिकाएं हैं, भारत का भविष्य निर्धारित करना आपके हाथ में है। आज आम तौर पर यह आक्षेप लगाया जाता है युवा पीढ़ी पर कि वह सिर्फ इस बात की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं कि हमें अधिकाधिक अंक प्राप्त करने हैं। जीवन में सफल होने के लिए रिसर्चेस अब ये कहती हैं, कई शोध हुए हैं, कि मात्र हार्ड स्किल्स या पढ़ाई कर लेने से या थियोरेटिकल जानकारी कर लेने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, इंटरव्यू की कुर्सी पर आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अंत तो गतवा आपका चयन होगा कि नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कितने निष्णात हैं, सॉफ्ट स्किल्स कितनी आपने धारित की हैं, यानी अपने व्यक्तित्व का कितना विकास आपने किया है। व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है कि हम हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आसपास में क्या घटित हो रहा है, क्या तथ्य है, क्या जानकारियां हैं, उन सब का आपस में संबंध क्या है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, लोगों से चर्चा करें। और हमारा स्वयं का अपना सोच होना चाहिए और उस सोच का ताल ठोक करके प्रकटीकरण होना चाहिए कि मैं ऐसा समझता हूं या मैं ऐसा समझती हूं। तो आइए आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और जो कि समर्पित है जयपुर को। 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। तालियां बजाइए और उनके सम्मान में जोरदार तरीके से। आप दो सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि इसे पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर यानी गुलाबी रंग से किसने पुतवाया, किसे श्रेय जाता है, बताना है महाराजा का नाम। और दूसरा आपको यह बताना है कि इसे जो परकोटे में चारों तरफ शहर बसाया गया तो परकोटा था, इसे परकोटे से बाहर निकालने का श्रेय किसे जाता है, यानी उसके बाहर की बसावट का श्रेय किसे जाता है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। दो अलग अलग पुरस्कार, दो अलग अलग पुरस्कार। मैम आपको नहीं पूछा, ठीक है, खड़ी होइए आप। इसको महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय। क्या दो सवाल है? हाँ, जो आपका फर्स्ट वाला आंसर था, वो क्या क्या था फर्स्ट वाला? एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करो। अरे वाह, अरे जयपुर की वो पिंक सिटी, उसको नाम दिया गया, नाम दिया गया था उन्होंने, पुतवाया था गुलाबी रंग में, पुतवाया था गुलाबी रंग में। हाँ, तो फिर ऐसा मत करो। शुभ नाम क्या है? मनीषा शर्मा। मनीषा जी, आप ऐसा क्यों करते हैं, मनीषी होकर के, मनीषा होकर के, आपसे तो सभी प्रेरणा लेते हैं। अब नहीं करेंगी तो थोड़ा ध्यान करिए, बी फोकस्ड। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से, जोरदार तरीके से, ठीक है। हाँ साहब जी, खड़ी होइए आप जी। मानसिंह सेकंड ने, मानसिंह सेकंड ने, हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। मैम आप हंस क्यों रहे, पहले तो आप खड़ी होइए। आप हंसी क्यों? देखिए, एक तो इनका अंदाज ऐसा था। नहीं सर, क्योंकि मेरी दोस्त है ना, ये आंसर सही दे रही है। अच्छा सही। तो ये क्या कोई हादसा घटित हुआ है आज? नहीं नहीं, पहली बार कि इन्होंने सही उत्तर दिया है, ये मेरी दोस्त है।
शुभ नाम जी अभिलाषा डिसानिया जी अभिलाषा डिसानिया अभिलाषा डिसानिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां जोरों से बजाइए। महाराजा मानसिंह द्वितीय ने जयपुर के जो परकोटा था उससे बाहर जयपुर को विस्तारित किया। इन सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप। देखिए मकर संक्रांति की जब हम बात करते हैं तो बरबस ही याद आता है जयपुर की पतंगबाजी, जो देश में ही नहीं दुनिया में विख्यात है और कई टूरिस्ट यहां पर आते हैं, पेच लड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। आपको ये बताना है कि कौन से महाराजा है जिन्हें श्रेय जाता है इतिहास के अनुसार, जो प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने पतंगबाजी के उन्नयन में विशेष कार्य किया या उनके समय से ये शौक परवान चढ़ा, एक। और दूसरा आपको ये बताना है कि उस समय पतंग को किस नाम से जाना जाता था। दोनों को मिला के दूंगा पुरस्कार, दोनों को मिला करके। मैम आपको पूछता हूं, और मैम एक बार तो आप खड़ी हो जाएं, नहीं खड़ी हो जाएं, हो ही जाएं आप, मतलब ओरे मैंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या हुआ इनको पूछ लिया, नहीं पूछ रहे हैं और इनको पूछ लिया तो ओरे आपको चमत्कार हुआ। इसका मतलब ये है कि प्रभु सन्मति देता है एंकर को भी कि कौन इंतजार कर रहा है, तू किसे पूछ, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। वो तो वो कहते हैं काल आगे मेरा, तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है। हाँ बताएं मैम। राम सिंह द्वितीय ने किया था, राम सिंह द्वितीय के शासन काल में जो पतंगबाजी है इसका उन्नयन हुआ जी। और पतंग को बोलते तुक्कल, तुक्कड़। हाँ तुक्कड़, तुक्कड़। हाँ। शुभ नाम शिवानी भोजक, शिवानी भोजक के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजाइए सर। देखिए जयपुर के नागरिकों के प्रथम पूजनीय और मंगल कार्य में हम सदैव पहुंचते हैं, आपको बताना है वो कहाँ के गणेश जी है, ये बताएंगे तब तो है आप एलिजिबल। और मेरा मूल सवाल है आपको ये बताना है कि उस स्थान का नाम जहाँ से जो विग्रह है उसे लाया गया था, बताएं और जीतें पुरस्कार। आपको पूछा मैंने, नहीं खड़ी हुई है आप जी। उदयपुर के मावली से लाया गया था, उदयपुर के मावली से लाए गए थे। ये किनको लाया गया था पहले वो तो बताएं। गणेश जी, तो कौन से गणेश जी हैं ये? मोती डूंगरी, मोती डूंगरी वाले। तो मोती डूंगरी के जो गणेश जी हैं वो हमारे प्रथम पूजनीय हैं और उनके विग्रह को मावली उदयपुर से लाया गया। आपको तो पूरी जानकारी। शुभ नाम प्रियंका मंडोलिया, प्रियंका मंडोरिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजनी चाहिए साहब, क्या बात है। देखिए ऐसा कहते हैं कि 1818 में सेठ पल्लीवाल को सपना आया कि वो विग्रह वहां पर है, वहां से जाइए और लाइए, तो छकड़ों में इस विग्रह को धीरे धीरे यहां पर लाया गया और यहां पर स्थापित किया गया। इस जानकारी के लिए भी बजा सकते हैं तालियां आप जोरदार तरीके से। वर्षा ऋतु जब आती है तो मन मयूर नाच उठता है और प्रियतम यदि बाहर होते हैं तो कहते हैं, और जब कोयल कूकती है तो गौरी जो होती है प्रेसी, उसके मन में जो हूक उठती है उसका बड़ा ही विशद वर्णन कवियों ने किया है। फिलहाल मेरा सवाल ये आपको ये बताना है कि आम तौर पर परंपरा है राजस्थान में भी और विशेष रूप से जयपुर में कि एक विशेष प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है वर्षा ऋतु में, आपको बताना है उसका नाम और जीतना है पुरस्कार। अरे ये आप बता, आपको 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 जी खड़ी होइए आप, जी खड़ी होइए आप जी। लहरिया, लहरिया। अच्छा एक चीज ये बताइए कि लहरिया से जुड़ा हुआ है एक गाना जो अति प्रचलित है लोकगीत, वो कौर, ठहरिए ठहरिए, नहीं पुरस्कार तो पक्का, आप चिंतित मत होइए। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। शुभ नाम बताएं अपना। ज्योति कंवर रत्नू, ज्योति कंवर रत्नू के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार, चिंतित मत होइए, पुरस्कार का उत्तर दे दिया आपने। चलिए मैं आपको पूछता हूँ, वो आम तौर पर जब लहरिए की बात चलती है तो वो गाना आता है, रोकड़ा। आप गा सकती हैं एक पंक्ति? जी सर। सभी गाएंगे साथ में ठीक है, हल्का हल्का जी गाइए आप।
अक्सर मुझे वही वाली लाइन आती है। हाँ, वही लाइन को आप 5 बार गाइए। इन लहरिए रा 900 रुपया रोकड़ा सा, इन लहरिए रा 900 रुपया रोकड़ा सा, माने ले दो दीवा दिला भोला लहरियो सा, इन ले दो नीबा दिला ढोला लहरियो सा। शुभ नाम सर। उमा कंवर। उमा कंवर जी क्या गायन करती है, आप क्या गायन करती है, तालियां जोरों से बजाइए उमा कंवर जी के लिए। और आइए अब आप सभी को झूमना है, नृत्य करना है, 900 रुपया रोकड़ा सा, तालियां बजाइए इन कलाकारों के सम्मान में आप। अब मैं 2 पुरस्कार इस बार दे देता हूं, क्योंकि मैंने घोषणा की थी जी, आप और हाँ आप दोनों। शुभ नाम आपका? मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा। और आपका? कोमल स्वामी। कोमल जी और मनीषा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए जोरदार तरीके से। और देखिए कई लोगों ने और बेहतर डांस किया, कईयों को पुरस्कार दे दिया जाता है, पहले दे दिया गया, कईयों को उनको और मिलेगा, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए एक भव्य मीनार को आप पहचाने और बताना है इसका नाम क्या है, बड़ा ही सरल सवाल, और जीतना है पुरस्कार। जी आपको पूछा पहले, जी बोले आप। इसलाट। ईसरलाट। और भी कोई नाम है क्या? वैसे ही। चलिए शुभ नाम। अंबिका खंडेलवाल। अंबिका के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार बजाइए आप। एक पुरस्कार अगर दूसरा नाम, लेकिन उसके साथ साथ निर्माण किसने करवाया ये भी बताएंगे तो मिलेगा पुरस्कार, बताएंगे आप? साथ ही साथ निर्माण किसने करवाया दोनों बताएंगी आप? पूछा आपको पहले, जी बोले आप। सरगा सूली और ईश्वर लाल ने बनाई थी। किसने? ईश्वरी सिंह जी ने। हाँ, और सरगा सूली, और इसीलिए ईश्वर लाट भी उन्हें कहते हैं। शुभ नाम? सुमन कुमावत। सुमन कुमावत के लिए जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए सुमन जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। सवाई जय सिंह जी के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह जी ने, ईश्वरी सिंह जी भी उन्हें कहते थे, इसलिए ईश्वर लाट भी नाम इसे कहते हैं। तालियां बजनी चाहिए जोरदार तरीके से। आमेर का किला, इसका दिग्दर्शन अभी आपको करवाएंगे। आपको ये बताना है, सवाल मैं पहले बता देता हूं कि ये है जो नामकरण है, ये कौन सी माता के नाम पर हुआ और वह किन की आराध्य देवी थी, ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। और इसी के साथ साथ इस महल में या इस किले में जिसे आप देख रहे हैं, मैं पहले बता दूं, एक ऐसा महल है जिससे प्रेरणा लेकर फिल्म मुगले आजम में प्यार किया तो डरना क्या का जो महल है वो कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। नाम नहीं बोला क्योंकि उत्तर आ जाएगा, ये आपको बताने और जीतने हैं 2 पुरस्कार। जी खड़े होइए आप, एक उत्तर दीजिए। अंबा माता।
अम्बा माता, और ये किन की आराध्य देवी थी? वो शीतला माता की। नहीं, शीतला माता की नहीं, अम्बा आमेर की। आमेर की, तो अम्बा माता जो मीणा थे जिन्होंने आमेर को बसाया था, जो मूल रूप के वहाँ के शासक थे कछवा, तो बाद में आए, उनकी देवी। शुभ नाम आपका? ऐश्वर्या वर्मा। ऐश्वर्या वर्मा, क्या बात है, ऐश्वर्या के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ साहब, दूसरा सवाल रह गया। पूछा आपको, आपको पूछा, खड़ी होइए आप जी। शीश महल। शीश महल देखा कभी आपने? आमेर गई कभी? आमेर तो गए, और आमेर में शीश महल नहीं देखा? इस बार जरूर देखिएगा। शुभ नाम? रीमा मीणा। रीमा मीणा के लिए जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजाइए रीमा मीणा के लिए। ये महल पहले छोटा था और इस पर मान सिंह प्रथम ने किले का निर्माण कराया और काफी समय तक राजवंश का ये परिवार वहीं पर रहता था। और एक बात आपको और कह दूं कि गट्टा देवी भी कहते हैं अम्बा माता के साथ साथ, गट्टा देवी भी उनसे प्रेरणा लेकर के ये बनाया गया था। अब देखिए, आपको ये बताना है कि जयपुर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेट्रो है। आपको ये बताना है कि जयपुर की जो मेट्रो है इसका उद्घाटन किसने कब किया। और एक पुरस्कार और दे दूंगा, जयपुर मेट्रो की टैगलाइन क्या है? चलिए एक एक सवाल मैम से पूछ लेता हूं, ताकि क्या रहेगा कि यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राह में कोई रोड़े अटकाती हैं आप, फिर भी मैं निर्बाध गति से उधर आ सकूंगा, ठीक है? तो मैम खड़ी हो जाइए आप। थैंक यू सर। जी जी जी, एक उत्तर दीजिएगा जी। ये मेट्रो 2015 में स्टार्ट हुआ था। नहीं, तारीख। चलिए मैम को पुरस्कार 2015 ही बता दिया, इसलिए एक दे देता हूँ, तिथि पर एक और दूंगा। शुभ नाम? श्रीमती वसुंधरा राजे ने। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो शुभ नाम? भावना राठौड़। भावना जी, आपकी भावना को देखते हुए ये पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। और एक पुरस्कार मैं और ले ही लेता हूँ, खड़ी होइए आप जी। अब आप तिथि बताएंगे सही? 3 जून 2015 को। और किसने किया उद्घाटन? ठहरिए। अभी बोला था मैम ने, वसुंधरा राजे ने। शुभ नाम? सुनीता योगी जी। सुनीता योगी के लिए, सुनीता जी घबराइए मत, तालियां बजाइए सुनीता जी के लिए। अब टैग लाइन क्या है जयपुर मेट्रो की, बताइए और जीतिए पुरस्कार। टैग लाइन पूछा आपको, खड़ी होइए आप जी। जयपुर मेट्रो मारा मेट्रो। मारा या मारी? मारी मेट्रो। आपरी खुदरी जय आपरी? आप मारी। शुभ नाम? जेबा हुसैन। जेबा हुसैन के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए जेबा हुसैन के लिए। तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं चाकसू के, शीतला माता के मंदिर की और वहां पर भरने वाले मेले की। आपको ये बताना है कि वो मेला हिंदू तिथि के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, देसी तिथि के अनुसार कब भरता है। एक तो बताना, ये एक अतिरिक्त पुरस्कार है। और आपको ये बताना है कि जब रियासत का राज था तब एक राजाज्ञा निकलती थी, उस आदेश के अनुसार आपको ये बताना है कि इस दिन को कहा जाता था कि हमें शीतल भोजन ग्रहण करना है, और उस राजाज्ञा में इस दिवस का विशेष नाम उल्लेखित होता था। आपको बताना है वो नाम क्या है। एक पुरस्कार, और दूसरा पुरस्कार मैंने कह दिया आपको कि तिथि बतानी है। आपको पूछा मैंने जी, खड़ी होइए आप। शीतलाष्टमी। नहीं, शीतलाष्टमी नहीं, ठहरिए। आपको पूछा नहीं, पूछे, खड़ी होइए आप जी, खड़ी होइए आप जी। हाँ हाँ जी, चेष्ट अष्टमी, चेष्ट की अष्टमी को पूछा। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ आपने आधा अधूरा ठहर, नहीं आपको नहीं पूछा, श्योर
दो तीन गवाहें ला सकती हैं आप? तो चलिए खड़े चलिए। चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को होती है, कृष्ण पक्ष की। हाँ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शुभ नाम? कोमल स्वामी। कोमल स्वामी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बिल्कुल सही कोमल जी ने उत्तर दिया। अब आपको बताना है कि राजाज्ञा जो निकलती थी कि इस दिन ठंडा भोजन खाना है, गर्म खाना नहीं खाना है, उस दिवस को किस विशिष्ट दिवस के नाम से जाना जाता था? मैम आपको पूछा मैंने, खड़ी होइए आप। जी सर, बासोड़ा। बासोड़ा नहीं जी, जी 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 जिसे नहीं पूछा, जिसे नहीं पूछा जी। आपको नहीं पूछा, पहले पूछा है सर? नहीं पूछा, श्योर? चलिए जी, पूछा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी। बोलिए आप। शीतलाष्टमी। नहीं शीतलाष्टमी नहीं, एक विशिष्ट विशिष्ट। आपको पूछा पहले मैंने, श्योर? खड़ी हुई आप। अखते का दिन, अखता रखते हैं कहते हैं ना, अखते का दिन यानी निषेध, और उस दिन नहीं रखना, अखता है। और अधिकांश क्या, करीब करीब सभी हलवाइयों की दुकान भी यानी भट्टियां ठंडी रहती थी, क्योंकि शीतल भोजन को ही ग्रहण करना होता था। वैज्ञानिक आधार। शुभ नाम? गरिमा शर्मा। गरिमा जी, क्या गरिमा में तरीके से उत्तर दिया। तालियां जोरों से बजाइए, अखते का दिन। तालियां बजाइए जोरों से आपके लिए। देखिए अब आपको मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आपको पहचानना है वो कौन से नृत्य का मैं जिक्र कर रहा हूं। राजस्थान, बस इंतजार कीजिएगा, राजस्थान का वह प्रतीक और प्रतिनिधि नृत्य है। मंद गति से कहरवा बसता है और आठ मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। और इस नृत्य में नृत्यांगनाओं द्वारा बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। और थोड़ा और सरल कर दूं, नृत्यांगनाओं के लहंगे का घेर वृत्ताकार रूप से फैलता है, यही प्रेरणा स्रोत है इस कालजयी गरिमामयी नृत्य का। बताएं इसका नाम और जीतें पुरस्कार। किसे नहीं पूछा? नहीं पूछा, श्योर? चलिए खड़ी होइए आप, खड़ी होइए जी। घूमर। घूमर, हमारी घूमर छना, हमारी। आता है आपको गीत? हाँ। चलिए एक गाइए, आप सभी गाएंगे, चलिए। हमारी घूमर छना करानी ओ मां, घूमर रम बामे जाशा ओ रजरी, माने राठोड़ा ने भलन ओ माने राठोड़ा ने बोली प्यारी लागे माँ, घूमर रमवा में जासा। आपका शुभ नाम? मोनिका शेखावत। मोनिका शेखावत के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। और इसमें जैसे मैंने कहा राठौड़ारी बोली प्यारी घरने लागे माँ, तो वो जो कामना करती है, वो चाहती है कि किस परिवार में उसे जाना है, तो उनकी जो जाति होती है उसका वो संबोधन में उसका वो नाम लिया करती है। गानों की जो परंपरा रही है वो ये, और बड़ा ही नृत्य। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं और फिर शायद मैं पूछ लूँ एक सवाल इससे जुड़ा हुआ। फिलहाल आपको बजानी है तालियां और आपको करना है घूमर, जोरदार लंजो। पायल न्याय जो, मार पिछिया रतन जड़ाई जो, मार पगलियां
तालियां जोरों से बजाई, जोरों से बजाइए आप। देखिए श्रेष्ठ प्रस्तुतियां सभी की, फिर भी मैं दो पुरस्कार देना चाहूंगा आवेग और डूब करके समर्पण भाव से। और कई लोग अच्छा नृत्य कर रहे थे लेकिन विड्रॉ कर गए, विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते। खड़ी होइए आप। शुभ नाम? जेबा हुसैन। जेबा हुसैन के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। और खड़ी होइए आप। शुभ नाम? तो उमा कंवर। उमा कंवर जी, आप इधर मुंह करके कर रही थी लेकिन मैं देख रहा था, क्या नृत्य था आपका। तालियां जोरों से बजाइए उमा कंवर के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए जब जयपुर की बात करते हैं तो रत्न, रत्नों का शहर, जितने भी प्रकार के रत्न होते हैं, जितने भी प्रकार की ज्वेलरी होती है, जयपुर के जो कलाकार हैं और जयपुर की जो कला है उसकी सानी नहीं। मेरा सवाल यह है आपको ये बताना कि कुंदन मीना, ये अति प्रसिद्ध ज्वेलरी है जयपुर की, कुंदन और मीना किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पूरा पूरा जो बताएगा, और जिसको मैंने नहीं पूछा है, जिसको नहीं पूछा, नहीं पूछा और पूरा आपको पूछा। श्योर? आगे आइए आप, आ जाइए आगे, आ जाइए आप, बताइए क्या होता है कुंदन मीना? कुंदन का होता है 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट का कुंदन, जिसे कहते हैं ना कुंदन के समान तपा हुआ, यानी 24 कैरेट बिल्कुल नरम सोना कुंदन। सर मीना होता है कांच का जो टुकड़ा सोने पे पिघलाया जाता है, पिघला करके उसे जड़ा जाता है सोने सोने पर, यानी कांच के टुकड़े को, तो उसको क्या कहते हैं? मीना। मीना, यस सर। ठीक है, यस सर। तो क्या हुआ कुंदन मीना? तो कई गहने होंगे आपके पास कुंदन मीने के। यस सर। तालियां जोर से बजाइए। शुभ नाम? प्रियंका तंवर। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजनी चाहिए प्रियंका जी के लिए, जोरदार तालियां। देखिए मीना जो होता है आमतौर पर रंगीन कांच होते हैं जिन्हें पिघलाकर कुंदन के ऊपर लगाया जाता है या जड़ा जाता है। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, आप मैम के लिए। देखिए भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो अलग अलग रोचक प्रसंग सामने आते हैं, और हमारी संस्कृति में चुंदड़ी से पहले इस श्रृंगार को नारी के सुहाग का प्रतीक माना गया है। वो कौन सा है श्रृंगार, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यही तो सवाल है आपको ये बताना है, और हाथ कम खड़े हुए हैं तो मैं थोड़ा और बता दूं कि जयपुर के लाख से बनी ये चीजें वस्तुएं दुनिया भर में विख्यात है। मेरा मूल सवाल, भारतीय संस्कृति में चुंदड़ी से पहले इस श्रृंगार को नारी के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, बताएं नाम और जीतें पुरस्कार। बताएं नाम और जीतें। आपको पूछा मैम? आपको पूछा? नहीं पूछा। आप बताएं। लाख का चूड़ा। चूड़ा? चूड़ी। चूड़ी, देखिए चूड़ियां मतलब लाख की जो चूड़ियां होती है, यानी हम जो बात करते हैं चूड़ियां जो होती है वो सुहाग की प्रतीक चुंदड़ी से पहले भी मानी जाती है भारतीय संस्कृति में। चूड़ियां, अब चूड़ियां कैसी भी हो सकती हैं, और जब मैंने लाख का कह दिया तो लाख की चूड़ियां हो गई। शुभ नाम? गुड्डी कुमावत। गुड्डी कुमावत के लिए तालियां जोरों से बजाइए, गुड्डी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए गुड्डी जी के लिए। तो आइए चूड़ी पाटला नृत्य कीजिए, तालियां बजाइए और झूमिए और जीतिए पुरस्कार। चूड़ी पाटला, चूड़ी पाटला दिला दे, 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 तारा हाथा सो पहरा दे, चूड़ी पाटला दिला दे, तारा हाथा सो पहरा दे, तारा हाथा सो पहरा दे रे। ओ चूड़ी पाटला
तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जोरदार बजाइए। मैम खड़ी हुई है, शुभ नाम शिवानी भोजन। शिवानी जी के लिए तालियां जोर, क्या अंदाज था, क्या अंदाज, तालियां जोरों से। और आप दो कौन नृत्य कर रही थी, आप और आप, शुभ नाम मनीषा गुजर। मनीषा गुजर के लिए तालियां जोरों से, क्या बात है, क्या बात है। और आपका शुभ नाम से कृष्णा गुजर। कृष्णा गुजर, तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोरों से। देखिए उस महान सेना नायक का नाम बताइए जिसे श्रेय जाता है सिकंदर महान के बाद में, कि पहाड़ी दर्रों वाले दुर्गम रेगिस्तानी प्रदेश अफगानिस्तान में विजय का झंडा गाड़ने का। बताएं उस महान सेनापति का नाम, राजस्थान के थे वो। चलिए मैम आप ही को पूछ लेता हूँ जी। मानसिंह प्रथम। अच्छा वो कहाँ के राजा थे, मानसिंह प्रथम आमेर के राजा। आमेर के, बिल्कुल सही, इसे कहते हैं प्रिंसिपल, सी एस सर्टेन प्रिंसिपल। क्या बात है, क्या बात है। सावित्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आमेर के तत्कालीन महाराजा मानसिंह प्रथम, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से आप जोरदार तालियां बजाइए। देखिए उस समय हिंदुस्तान पर अकबर का साम्राज्य था और मानसिंह मुगलों की सेना के मुख्य सेनापति थे, और अफगानिस्तान का जो शासक था मिर्जा मोहम्मद हकीम, वो भारत का जो पंजाब का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा करना चाहता था। तो 19 जुलाई 1559 में अकबर ने मानसिंह को प्रधान सेनापति बनाकर भेजा और मानसिंह की सेना ने हरा दिया किसको, मिर्जा मोहम्मद हकीम को, और अफगानिस्तान पर परचम लहरा दिया। तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके। मेरा एक सरल सा सवाल, हम कथक की बात करते हैं, कथक नृत्य की, और कथक की बात करते हैं तो आपको बताना है विशिष्ट घराना कौन सा जिसका संबंध हमसे है, एक। और आपको यह बताना है कि परिवारों के नाम या जाति के नाम पर नहीं होकर के क्षेत्र के आधार पर कथक के घरानों का निर्धारण, ये निर्णय कहां हुआ। हाथ खड़ा किया है जी, खड़ी हुई है आप। जयपुर घराने के साथ लखनऊ का घराना था। नहीं मैं जयपुर घराना जो अपने से है वो जयपुर घराना हुआ कथक का, ये हो गया ठीक है, और साथ में लखनऊ घराना भी है ठीक है। और ये निर्णय कहाँ हुआ, चलिए शुभ नाम भावना। भावना जी चलिए, आप काफी देर से इंतजार कर रही थी जी, आप कुछ बताएंगी जी, बोलिए आप जी। जी सर, जो कथक नृत्य करने वाले कलाकार थे उन्हें की सभा में हुआ था इसका निर्णय। सभा कहाँ हुई थी, वो जयपुर में। जयपुर में सभा हुई थी, शुभ नाम ममता सैनी। ममता सैनी जी, क्या बात है ममता जी, कमाल। जो कलाकार थे कथक के नृत्य गुरु थे वो एकत्रित हुए जयपुर में और उनकी सभा में ये निर्णय लिया गया, और ये लगभग मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1895 के आसपास ये निर्णय लिया गया था, और उसमें यह तय हो गया था क्या, कि क्षेत्र के आधार पर किसी जाति के आधार पर नहीं होगा कथक के घरानों का नाम। इसलिए घराना कौन सा, जयपुर घराना क्षेत्र का नाम, फिर लखनऊ घराना, दो ही घराना, कुछ लोग बनारस को भी घराना मानते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये तथाकथित बनारस घराना और लखनऊ घराना इसको प्रचलित करने का श्रेय भी जाता है, जो प्रवासी लोग हैं हमारे ही लोग उन्हीं को ये श्रेय जाता है। आइए मनीषा गुलियानी जो निष्णात कलाकार हैं कथक की, देखिए उनका नृत्य, तालियां बजाइए और उनके सम्मान में, और आप भी झूमिए नृत्य कीजिए।
आप लोगों का उत्साह देख करके, आप लोगों की उमंग देख करके, आप लोगों की तैयारी देख करके, और कई बार दांतों तले उंगली दबाने का मन करता है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन हैं और कहाँ हैं, और लाखों लाख दर्शक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को दुनिया भर में देखते हैं, आज वो इस बात का लोहा मान लेंगे कि ऐसे लोग वृथा बात करते हैं जो ये कहते हैं कि आज के युवाओं को हमारी थाती क्या है, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति क्या है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो गलत साबित हो जाएंगे। हर व्यक्ति अपने आप में एक समर्थ व्यक्ति होता है। प्रभु ने असीम संभावनाएं दी है। आप सभी से अनुरोध कि हमें प्रदेश का नाम यानी जयपुर का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम रोशन करना है, और इसलिए आपसे अनुरोध कि इस प्रकार की जानकारियां जब आप टीचर बने तो बच्चों को आवश्यक रूप से दें, उन्हें प्रेरित करें, उनमें एक चिंगारी बस जलानी है आपको, एक आग बस, तो फिर तो लौ बन जाएगी। एक दिया होता है एक टीचर, और एक दिए से अनेक दिए जलाए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल दिया होता है या अन्य दिए होते हैं, उनकी रोशनी में, उनके ओज में, उनके तेज में, उनके प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं आता, और आत्मीयता और आत्मा जो अपनी है वो इतनी संतुष्टि मिलती है, यानी व्यक्ति एहसास करता है कि मेरा इस धरा पर अवतरित होना सार्थक हो गया, मैंने ज्ञान का आलोक फैलाया। आइए हम संकल्पित होते हैं कि हम भावी टीचर्स, हम भावी शिक्षिकाएं ज्ञान का आलोक बिखेरेंगी। इस सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। अब बारी है भाई घर कूचा, भाई घर कूचा, घर कूचा, भाई घर कूचा, जय जय राजस्थान। ये बनी ठनी बच्चियां नृत्य प्रस्तुति के लिए उनके सम्मान में जोरदार बजाइए तालियां। कण कण सो गूंज